Hello dear student, I am KP sir. Today we are going to start new chapter number 4 of class 7th, rational number. So dear student, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको बता दूँ रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। दोज नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर, वेयर Q is not equal to 0 and P Q are integer, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग हम समझेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर की हम बात करते हैं तो दोज नंबर are represented in the form of P by Q where Q is not equal to 0 and P comma Q are integer. देखिए तो रेशनल नंबर क्या है, दोज नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखिए ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या करें, रिप्रेजेंट करें, और जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो और पी क्यू क्या हो, इंटीजर। सपोज पी अपॉन क्यू क्या है, एक आपका रेशनल नंबर जिसमें से पी आपका क्या है, न्यूमरेटर है और क्यू क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो P और Q में जो Q है, डिनोमिनेटर में जो नंबर Q हो कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, और P और Q हमेशा दोनों क्या होंगे, इंटीजर नंबर होंगे। जैसे इंटीजर नंबर क्या होता है, जैसे अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन के बीच में यहाँ पे जीरो है, अगर इधर चलते हैं तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर राइट साइड में जीरो के, और जीरो के लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब जो नंबर है आपके क्या है, इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। इंटीजर आर टू टाइप, ठीक है। इंटीजर जो है दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक हमारा जो है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जो जीरो के राइट साइड जाता है। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जो जीरो के लेफ्ट साइड आता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एडिशन किसका हो गया, रेशनल नंबर का हो गया। अब रेशनल नंबर के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन आते हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, रेशनल नंबर क्या है, दोज नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू आर इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यहाँ लिखिएगा इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, हमने रेशनल नंबर को समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें अगर हम बता दें आपको कि हमारे पास जैसे रेशनल नंबर को और डीप से समझने के लिए थोड़ा सा हम नेचुरल नंबर वगैरह देख लेते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर देख लेते हैं, होल नंबर देख ले रहे हैं, इंटीजर भी देख ले रहे हैं, बट अभी देख रहे हैं, ठीक है। एंड ठीक है, अभी ये तीन देखते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू थ्री फोर फाइव डॉट कहाँ तक इंफिनिटी। होल नंबर क्या होता है, अगर जो नेचुरल नंबर से पहले जीरो से स्टार्ट कर दिया जाए, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट इनफिनिट, तो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपका क्या होता है, इंटीजर मैंने भी बताया कि इंटीजर आर टू टाइप, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। ये दोनों हमारे क्या हैं, इंटीजर। इंटीजर को नंबर लाइन में हमेशा जैसे जीरो है, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर लेफ्ट एंगल में, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर,
ये सब क्या है इंटीजर। तो मैं ये नंबर आपको इसलिए बताया हूँ क्योंकि इसके हेल्प से, ठीक है, इसके हेल्प से हमें जो है आगे रैशनल नंबर में जो है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझ लें। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर का। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने राइट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा एक बात समझिएगा, जब मैं रैशनल नंबर आपको बता रहा था तो वहाँ पे एग्जांपल थोड़ा नहीं बताया, फिर से बता दे रहा हूँ कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q। ठीक है, यानी एग्जांपल इसका ये हो जाएगा जैसे 1/2, 3/5, 6/7, 8/9, ये सब क्या है रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये मैं वहाँ पे एग्जांपल बताना भूल गया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये क्या है एग्जांपल है। ठीक है, माइंड से मेरे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल ऐसे रेशनल नंबर क्या है, 1/2, 3/5, 6/7, 8/9, p/q का फॉर्म। तो मैं यहाँ पे बता रहा कि एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। देखिए हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो लगा सकते हैं, सॉरी वन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वन है, इसके डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, 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 इसके डिनोमिनेटर में वन लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस नंबर के, यानी मतलब जितने भी नंबर हैं आपके पास, सारे नंबर के डिनोमिनेटर में वन लगा सकते हैं, और वन लगा के हम उसको क्या बना सकते हैं, रैशनल नंबर। क्या बना सकते हैं, रैशनल नंबर। इसीलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में वन लगाने से नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आता, इफेक्ट किससे आता है, जीरो से। ठीक है, तो इसीलिए एवरी, हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब देखिए, ठीक है, सेकंड पॉइंट, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हर एक होल नंबर क्या होता है, तो क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, मतलब डिनोमिनेटर में आप वन लगा दो, क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में वन लगा सकते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, और सेम यही कंडीशन है किसमें, इंटीजर में, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये तीन नंबर के बारे में तो समझा करो आप। ठीक है, एवरी प्राइम नंबर को भी आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, एवरी प्राइम नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैं दो बता दिया, दो आपको वर्बली बता दे रहा हूँ कि एवरी दो क्या समझिए कि 4-5 नंबर और हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, सॉरी होल नंबर हो गया, ये दोनों क्या हैं आपके, रैशनल हैं। उसी तरीके से इंटीजर भी रैशनल हो सकता है, प्राइम नंबर भी रैशनल हो सकता है, कंपोजिट भी रैशनल हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ, दो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी इतना ही समझिए, नेचुरल, होल और केवल इंटीजर, तीन समझिए, बाकी आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इंटीजर ऐसे लिख दीजिए, एवरी इंटीजर, ऐसे राइट करते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या है वो, रैशनल। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल इसका जो है हम ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे देखिए -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, इसके डिनोमिनेटर में आप वन लगा सकते हैं, किसी के भी डिनोमिनेटर में, इससे क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तीन पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, और जो पॉइंट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, इसको रेस करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कि अभी ये अब ये स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के टाइप देखिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर जो है दो टाइप के हैं। रैशनल नंबर एक तो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है,
निगेटिव होता है। देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर। देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर दो केस में होता है, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों नंबर निगेटिव हो, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों नंबर क्या हो पॉजिटिव। इन दो ही केस में क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए जो माइनस माइनस कैंसिल कर दो 2/3 तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव रैशनल है ही। निगेटिव कहाँ हो सकता है, या तो न्यूमरेटर क्या हो निगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, या तो आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर निगेटिव, ये क्या हो सकता है निगेटिव। बाद में हम इसमें माइनस वन अपॉन माइनस वन से मल्टीप्लाई करके माइनस को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में। खैर बात की बात है, दो केस में पॉजिटिव रैशनल नंबर और दो केस में निगेटिव रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमारा जो है रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।